Adventure in the Dokuro Castle, Part 1. ये दुनिया सच में कितनी बड़ी है। जादुई तलवार ढूंढना सच में बहुत मुश्किल है ना पिदोरी? नियागो पिदोरी के साथ मिलकर जादुई तलवार ढूंढ रहा है। इस पूरे ट्रिप में उसे सिर्फ जादुई तलवार की ही चिंता सता रही है। इस जादुई तलवार में जरूर कोई जादुई शक्ति होगी, इसीलिए उसे हासिल करने के लिए लोग आपस में लड़ रहे हैं। अगर वो इसी तरह लड़ते रहे तो मामला बहुत बिगड़ सकता है। बाबा कहते हैं सोचने से कुछ नहीं होने वाला, हमें असल में कुछ करना होगा। अगर मैंने वो तलवार हासिल कर ली तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे और सब लोग सुख शांति से रहेंगे। क्या कहते हो पिदोरी? पर समझ में नहीं आता ये जादुई तलवार होगी कहाँ? लगता है वहाँ पर कुछ गड़बड़ है, मैं जाकर देखता हूँ। वो क्या था पिदोरी? चलो आगे चलते हैं। हे, ये तो नियागो ही है ना? हाँ वही है, पर ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझसे मिलने आया होगा। ओ घोस्ट ब्रदर्स, तो अभी अभी तुम्हें उड़कर गए थे? वो तो हमारी खासियत है। वो छोड़ो, ये बताओ तुमने हमारे छोटे भाई को देखा? नहीं तो, पर क्या हुआ बताओ मुझे। वो फिर से कहीं गुम हो गया है। वो जादुई तलवार की खोज में कहीं चला गया है। उसे हर हाल में वो तलवार चाहिए और हमें भी। ओह, तो तुम भी उसे ढूंढ रहे हो? हाँ, मैंने तलवार के बारे में बहुत कुछ सुना है। वो तलवार हमें मिल जाए तो अच्छा होगा। वैसे तुम भी तो उसे ढूंढ रहे हो ना? देखा, मेरा अंदाजा कितना सही निकला। इस बार उस जादुई तलवार को ढूंढना काफी मुश्किल काम होगा। ये भी तलवार को ढूंढ रहा है, वो भी तलवार को ढूंढ रहा है, और मैं भी तलवार को ढूंढ रही हूँ। तुम कहाँ चले गए थे? सॉरी, मैं तलवार ढूंढने गया था। तलवार मिली तो, पर साथ में एक बुरी खबर भी है। क्या? सच में? बोलो तलवार कहाँ है? वो जादुई तलवार डोकुरो के किले में है। डोकुरो के किले में? मैं वहाँ बहुत डर गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हर वक्त कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं जादुई तलवार लेना तो चाहता था, पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने जादुई तलवार वहीं पर देखी? पर वो जमीन में धसी थी, मैं उसे निकाल नहीं पाया। वो सब मुझ पर छोड़ दो, अगर हम मिलकर कोशिश करेंगे तो उसे हासिल कर लेंगे। तो फिर जल्दी चलो डोकुरो के किले में। आओ मेरे साथ। हे रुको, जो पहले पहुंचेगा जादुई तलवार वही पाएगा, तो जल्दी चलो। अभी जाकर ये बात सर को बताती हूँ। क्या? जादुई तलवार डोकुरो के किले में है? चलो वहाँ जल्दी चले। बड़े भैया, न्यान और उसकी चमची जा रही है। तो इन्हें जादुई तलवार मिल गई, चलो इनका पीछा करो। चलो कना। किला है? बाप रे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उस तलवार को कैसे देखेंगे? चलो मैं दिखाता हूँ। रुक जाओ। मैं ठीक हूँ। कितना डरावना है ना? कोई है? दरवाजा खोलो। लगता है यह कोई नहीं है। पिदोरी जाकर देखो कहीं और दरवाजा है क्या? समझ गया, शायद किसी जादुई मंत्र से खुलता होगा। खुल जा सिम सिम।
फायदा नहीं हुआ, ये तो खुल ही नहीं रहा। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कोई हमें घूर रहा है? ये तुम्हारा वहम है, डरो मत। हमें जल्दी से तलवार ढूंढनी है और वापस चले जाना है। अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं, अब क्या करें? पता नहीं यहाँ कोई जादुई तलवार है भी या नहीं। मैं बहुत थक गया हूँ। लो पहुंच गए। तो ये है टोकरों का किला? किसकी शक्ल को देखकर बनाया है? वो जो भी है, पर जादुई तलवार यही है। आओ चले। रुक जाओ, तलवार पहले मैं हासिल करूंगा। ही मानता हूँ, तुम भी यहाँ पहुँच गए। बदकिस्मती से वो तलवार हमारी है, तुम उसे भूल जाओ और यहाँ से घर का रास्ता नापो। सबसे पहले नियान सर यहाँ पहुँचे तो अंदर भी पहुँच जाएगा। अरे जरा इसे उठाओ। ओहो, अंदर कैसे जाते हैं? देखो मुझे डराओ मत, वो सिर्फ एक स्केलेटन है। नर्वस मत हो, समझे? उठो भैया, आपकी आवाज कांप क्यों रही है? ये जगह बहुत ही डरावनी है, जल्दी से तलवार लो और यहाँ से निकलो। वो जादुई तलवार इस कमरे के अंदर है। देखो वो रही तलवार। जादुई तलवार? रुक जाओ। तुम लोगों में वाकई बहुत हिम्मत है जो इस जादुई तलवार को लेने मेरे किले में चले आए। असल में वो क्या है कि हम नहीं चाहते थे कि आपका किला है। गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हम तो बस यहाँ जादुई तलवार लेने आए थे। ये तलवार तो मेरी है। इस तलवार में जादुई शक्तियाँ हैं, ये मुर्दे में भी जान डाल सकती है। सच में डाल सकती है? क्या तुम देखना चाहते हो? सुनो मेरे पुराने दोस्त, चलो जिंदा हो जाओ। तो तुम्हारी नजर भी इस जादुई तलवार पर है। ये तलवार मेरी है और मैं ये किसी को नहीं दूंगा। शांत हो जाओ, हम यहाँ से आसानी से निकल सकते हैं। देखो अभी निकल कर दिखाता हूँ, ये देखो। ये सारी की सारी कोशिश बेकार है करना, तुम सब बनोगे डायनासोर का खाना।
किसी ने भी इस तरह की जादुई तलवार पहले कभी नहीं देखी थी, पर ये जालिम राजा डकूरों के हाथ में है। इस बार नियंदर भी कुछ करने में असफल रहा, तो इंतजार कीजिए ये देखने का कि आगे क्या होगा।